हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ एक गाड़ी का रिव्यू लेकर के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी एक खड़ी हुई है, एंड बाय नाउ यू वुड हैव आल्सो जस्टेड ये कौन सी गाड़ी है। इट इज़ नन अदर देन हुंडई वेन्यू। अब ये जो गाड़ी है, दिस इज एन IMT SX वेरियंट है, 1 लीटर GDI टर्बो इंजन के साथ में। एंड IMT, आपको मैं बता दूँ, इट इज़ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में मतलब क्या होता है, इट इज़ गॉट अ रेगुलर गे बॉक्स बट देर इज़ नो क्लच। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द जनरल स्पेक्स, और उसके बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब में। मैं बताऊँगा ये IMT गे बॉक्स के बारे में, हाउ इज इट गुड और बैड, के क्या है, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ये गाड़ी मैं थोड़ी बहुत चलाई है, एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ एन ऑसम कॉन्सेप्ट। आपको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, एंड इफ यू वांट अ मैनुअल कार एंड यू डोंट वांट क्लच पेडल टू शिफ्ट द गियर्स, योर लेग्स गेट टायर्ड, तो इन दैट केस दिस इज़ सुपर्ब। ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटो क्लच है बट मैनुअल गियर है। एंड ये जो गियर है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, अपने रेगुलर जो गाड़ी चलाते हैं वैसे ही चलाना है। एंड यू नीड टू जस्ट पुट ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप गियर जैसे गाड़ी चलाते हैं चलाइए। एंड उसमें आपको कोई क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, इट ऑटोमेटिकली डज द वो। इसका जो क्लच का मैकेनिज्म है, इट इज़ मैनेज्ड बाय अ स्मॉल चिप, जिसको आप कंप्यूटर भी कह लीजिए, चिप भी कह लीजिए, तो इट इज़ मैनेज बाय दैट। सो वेन एवर यू टेंड टू चेंज द गियर, इट ऑटोमेटिकली आपका क्लच एंगेज हो जाता है, एंड यू नो यू आर एबल टू शिफ्ट द गियर्स। सो इट्स अ वेरी गुड कार टू ड्राइव इन द सिटी, यू नो, जिसको ऑटोमेटिक से देर इज़ अ लैग इन चेंजिंग द गियर्स, तो दे कैन बाई दिस कार वेर इन यू कैन शिफ्ट द गियर्स। आपको जैसे शिफ्ट करना आप कर सकते हैं, इफ यू आर ऑन लाइक आपको ओवरटेक करने के लिए, यू नो यू जस्ट डोंट शिफ्ट एंड यू कैन गो फॉरवर्ड, तो आप वो सब इस कार में कर सकते हैं। जबकि देर इज़ अ लैग इन AMT में, जो देखेंगे आपको एक झटका लगता है, तो ये गाड़ी में वैसा कोई है नहीं, यू नो यू डोंट फील एनी जर्क्स वाइल शिफ्टिंग गियर्स या कुछ भी नहीं होता है। एंड देन इफ़ यू टेक, अगर आप CVT के बॉक्स लेते तो देर विल बी अ क्वाइट लैग लगता है, आप पेट्रोल गाड़ियों में देखते हैं, जो कि इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। आई लाइक दिस कार बिकॉज ऑफ दिस गियर बॉक्स। में थोड़ा जो चलाया, आई जस्ट रियली लव्ड इट। मतलब यू नो आपका जो लेफ्ट लेग है, इट इज़ ऑलवेज फ्री, यू डोंट हैव टू यूज़ इट, ओनली यू जस्ट नीड टू गियर शिफ्ट करो और चलाते रहो, एंड आई एंजॉयड इट। मैं थोड़ा बहुत जो चलाया गाड़ी, आई एंजॉय ड्राइविंग इट। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई अ कार एंड इफ़ यू रिक्वायर अ कार फॉर सिटी ड्राइव, दिस इज़ एन एप्ट कार। मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, वेर इन आपको एक मैनुअल गियर का ऑप्शन भी मिलता है, एंड यू डोंट रिक्वायर टू यूज़ योर लेफ्ट लेग फॉर प्रेसिंग द क्लच। तो अगर आप सिटी में रहते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ सुपर्ब कार। एंड इसका जो प्राइस डिफरेंस है फ्रॉम द, से समझ लीजिए आप मैनुअल से ले, अगर इसके आप डिफरेंस देखते तो खाली 20,000 रुपये का डिफरेंस आता है विद द मैनुअल वर्जन एंड द ये जो IMT गे बॉक्स का वर्जन है। एंड आई थिंक मैनुअल और उसमें 1,00,000 और 20,000-30,000 रुपये का फ़र्क आता है व्हेन यू बाय अ DCT गे बॉक्स का आप लेते हैं, जो फुली ऑटोमेटिक गे बॉक्स है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस सेमी ऑटोमेटिक काइंड ऑफ स्टफ, दैन दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इफ़ यू वॉन्ट अ मैनुअल बट विदाउट अ क्लच, ऑसम कार। जहाँ तक के माइलेज का बात है, आई डोंट थिंक देयर मस्ट बी मच ऑफ डिफरेंस। यस, 5-10% ये कम देगा, बट नॉट लाइक एन ऑटोमेटिक जहाँ पर आपको 2-3 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है माइलेज के इसमें, बट इसमें उतना आई डोंट थिंक माइलेज का भी डिफरेंस। और जो जहाँ तक क्लच के बारे में बात करते हैं, तो सिंस दिस इज़ एन ऑटोमेटिक, तो क्लच का जो वेयर एंड टायर है रहेगा वो भी आपको जो यूजुअल मैनुअल गियरबॉक्स में, अगर आपका क्लच जितना चलता है उससे 10-15% ये शायद कम चले, मतलब मेरे को लगता है, बिकॉज दिस इज़ ऑटोमेटिक, इट इज़ ड्रिवन थ्रू एन एक्चुएटर एंड अ चिप, तो आई डोंट थिंक उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो आई थिंक 10-15% शायद कम चले इसका क्लच, बट ऑसम कार। मतलब इट हैज़ गॉट हिल होल्ड कंट्रोल है, एंड देन यू नो इफ़ यू स्ट्रेट अवे पुट इन द फोर्थ गियर एंड यू वॉन्ट टू रेस इट, इट विल नॉट मूव अराउंड। इफ़ यू जस्ट पुट इट इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन ओनली दैट कार विल मूव। तो देयर आर सर्टन वेरी गुड स्टफ विच इज़ अवेलेबल इन दिस
IMT वर्जन। ओ आई आई थिंक इट इज़ रेनिंग हेविली, बाहर अच्छा खासा बारिश शुरू हो गया है। तो अगर आपको चाहिए एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट सेमी ऑटोमेटिक, मतलब विदाउट द क्लच एंड ऑल, देन ये टाइप का जो गेयरबॉक्स इज़ द लेटेस्ट थिंग अवेलेबल द मार्केट। एंड अभी तक की तो गाड़ी आई थिंक इट्स जस्ट रन 1,000-2,000 किलोमीटर्स ही चली हुई है, तो वी विल नो इसका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू, आई वोंट बी एबल टू टेल यू नाउ, प्रॉब्ली आफ्टर 6 मंथ्स विल आई मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ इट इज़। अगर आप समझ रहे हो मैंने ये नई गाड़ी ले ली है, तो आई एम सॉरी, आई हैव नॉट परचेज दिस कार, दिस बिलोंग्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैज़ लेफ्ट इट एट माई प्लेस, एंड आई टुक हिज परमिशन टू मेक अ वीडियो, तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ। मैंने ज़्यादा गाड़ी चलाया नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही चलाया है, तो जितना चलाया उसके ऊपर मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। तो बस ये मैं छोटा वीडियो रखने वाला हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, वेयर योर सीट बेल्ट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर ड्राइव। बाय बाय। IMT S variant, SX variant है, 1 liter GDI turbo engine के साथ में। एंड IMT आपको मैं बता दूँ, इट इज IMT का फुल फॉर्म है, IMT का फुल फॉर्म क्या है भूल गया।